हे गाइस, वेलकम टू फिश ऑन रीफ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था पिछले सुरमई वाले वीडियो में। तो उस वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि जो सुरमई इस वीडियो में छूटी है वो क्यों छूटी, मच्छी छूटने का रीज़न क्या था, और इसका जवाब मैंने आपको अपने आने वाले वीडियो में बताऊँगा बोला था। तो उसका आंसर इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और सही जवाब देने वाले को फिश ऑन रीफ की तरफ से गिव अवे डिक्लेयर करेंगे। तो आज का पूरा वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो इसे ज़रूर पूरा एंड तक देखें ताकि हमारी मिस्टेक से आप सीख सको। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहे, और शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। और आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो वीडियो को लाइक किए बगैर जाना नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले कमेंट देखेंगे, एक ही विनर है, इसमें से हम सिलेक्ट करेंगे, जिसका आंसर सबसे क्लोज होगा वही विनर होगा। तो पहले कमेंट देखते हैं। तो पहला कमेंट है, नो मिस्टेक ओनली चेंज हो, ओके। और सेकंड है, उनको पंप करना चाहिए था बाद में। यार फिश को मारना गलत है, आप लोग ल्योर रिमूव करना सीखे। ये शायद वीडियो के एंड की बात कर रहा है जब हम मच्छी को मार रहे थे। सुपर सही है, थैंक यू भाई। मेरे भाई मछली जल की रानी है, उसे थोड़ा पानी में खेलने दे, जब फिश लगी तो धीरे धीरे निकालो, एक बार आपको लगी मच्छी तो आपकी है ना, थोड़ा खेलो बाद में निकालो। योर ड्रैग वॉज टू टाइट, गुड लक, थैंक यू। ड्रैग टाइट होगा, सुपर कैच, थैंक यू भाई। ऑसम वीडियो, ग्रेट सक्सेस, थैंक यू वेरी मच मैक्स भाई। इट फेल्ट लाइक अ फॉल्स हुक ब्रो, एंड ऑल्सो पंपिंग एक्शन वॉज टू फास्ट एंड वे टू वर्टिकल, कुड हैव प्लेड स्लो एंड स्टडी, ओके। हाई बॉस, ही लॉस्ट फिश कॉज ऑफ टर्मिनल टैकल फेलियर एंड मे बी ड्रैग सेटिंग वॉज टू टाइट, ओके। इन्होंने भी वही ड्रैग सेटिंग टू टाइट बोला और टर्मिनल टैकल का फेलियर दिया है। माइट हैव गॉट स्टक इन द फिन एंड व्हेन ही पुट फुल फोर्स ऑन द रॉड द फिन टोर एंड फिश सेट अवे, ओके। तो चलिए वीडियो में ही इसका आंसर देखते हैं। पहले ये छोटी क्लिप आप गौर से एक और बार फिर देख लो। सुरमई ये बारह पार्टी पार्टी, अरे पार्टी हो गई, छूट गया प्रशांत भाई। तो मेजॉरिटी लोगों ने कहा है ड्रैग बहुत ज़्यादा टाइट था। तो गाइज अगर ड्रैग ज़्यादा टाइट होता तो इसमें ड्रैग ओपन ही नहीं होना चाहिए था। बट रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले ही मच्छी ने अच्छा खासा रन ले चुकी थी, और जब ये पंप कर रहे थे तभी ड्रैग 2 से 3 बार ओपन हुआ। इसका मतलब है ड्रैग इनका ओके था, ज़्यादा टाइट भी नहीं था, ज़्यादा लूज भी नहीं था। कुछ ने कहा फॉल्स हुक हो गई होगी, मच्छी के फिन में अटक गया होगा, कुछ ने कहा टर्मिनल टैकल फेलियर। तो राइट आंसर देखेंगे, एक्चुअली इन्होंने मच्छी को चांस ही नहीं दिया फाइट करने का और नॉन स्टॉप मच्छी को पुल करते रहे या पंप करते रहे। और सुरमई जो है वो लेंथी फिश होती है, और हुकअप होने के बाद बहुत ज़ोर ज़ोर से पूरा बॉडी का प्रेशर डाल के हेड शेक करती है, ज़ोर ज़ोर से झटके मारती है। सुरमई अपने साइड से झटका मार रही थी और एंगलर इधर से पंप कर रहा था, इसी की वजह से हुक सीधा हो गया जिसकी वजह से मच्छी छूट गई। घसीटो घसीटो बे, पंप करो पंप करो। हाँ, सुरमई टारगेट करने से पहले हम जीटी पकड़ रहे थे, तो इन्होंने वही स्टाइल से सुरमई को लैंड करने की कोशिश की जिसमें ये नाकामयाब हो गए। शाबाश, हाँ ऐसा ही, यही गेम है, यही गेम है। नहीं नहीं टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है, बाहर ले रहा है उसको। और वापस कुछ टाइम बाद इन्हीं को वापस सुरमई लगी ऑन सेम ड्रैग एंड सेम साइज हुक, बट इन्होंने इस टाइम पे पंप ही नहीं किया और हमने मच्छी लैंड कर ली। तो इस वीडियो में आप देख सकते हो सुरमई हुकअप होने के बाद कैसे ज़ोर ज़ोर से कंटिन्यूसली हेड शेक करती है। ये फिश लैंड होने के बाद भी इसका पावर देखो, जब मैं इसके मुंह में लिप ग्रिप लगा रहा था तो ये मस्के में उसको छुड़ा लेती है। आई होप इस वीडियो से आपको सीरियसली कुछ सीखने मिला होगा, और अगर वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगती है
तो ज़रूर लाइक करें। तो ऐसे सब टाइम पे हमें मच्छी पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। अगर हमारा टर्मिनल टैकल मच्छी के साइज़ से अंडर हो तो मच्छी के साथ थोड़ा खेलना चाहिए, उसको चांस देना चाहिए फाइट करने के लिए, ताकि मच्छी इजीली लैंड हो जाए। तो कमेंट में सबसे क्लोजेस्ट आंसर है सबरीश मेनन, तो आप हमारे फिश ऑन रीफ की तरफ से सरप्राइज़ गिव अवे का विनर बनते हो। आपको गिफ्ट क्लेम करने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना होगा और आपको इंस्टा पे हमें फॉलो करना होगा। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।